हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो में हम शिक्षक दिवस से संबंधित कुछ बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप छाया D4C में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में शिक्षक का किरदार बहुत खास होता है। वे किसी के जीवन में उन रंगों की तरह होते हैं जिनकी उपस्थिति किरदार के साथ तो नहीं दिखती, लेकिन उनके होने से किरदार में जान आ जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में एक शिक्षक की भूमिका होती है। आप जीवन में चाहे जिस दौर पे हों, आपको शिक्षक की आवश्यकता पड़ती ही है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर में मनाया जाता है, जो कि उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होने से पहले एक शिक्षक थे। ज्ञान, जानकारी और समृद्धि के वास्तविक धारक शिक्षक ही होते हैं, जिनका इस्तेमाल कर वह हमारे जीवन के लिए हमें विकसित और तैयार करते हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारे शिक्षक का ही हाथ होता है। हमारे माता पिता की तरह ही हमारे शिक्षक के पास भी ढेर सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी वह इन सब को दरकिनार कर हर रोज़ स्कूल और कॉलेज आते हैं तथा अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करते हैं। कोई भी इनके बेशकीमती कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं देता। इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम साल में एक बार उन्हें धन्यवाद जरूर दें। हर वर्ष 5 सितंबर को हमारे शिक्षकों को उनके बहुमूल्य कार्यों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया था। उन्हें अध्यापन पेशे से बहुत प्यार था। हमारे शिक्षक हमें शैक्षणिक दृष्टि से तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ ही हमारे ज्ञान विश्वास स्तर को बढ़ाकर नैतिक रूप से भी हमें अच्छा बनाते हैं। जीवन में अच्छा करने के लिए वह हमें हर असंभव कार्य को संभव करने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा इस दिन को बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे जीवन को संवारने में शिक्षक एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए वो हमें कई प्रकार से मदद करते हैं, जैसे हमारे ज्ञान कौशल के स्तर, विश्वास आदि को बढ़ाते हैं तथा हमारे जीवन को सही आकार में ढालते हैं। अतः अपने निष्ठावान शिक्षक के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। हम सभी को एक आज्ञाकारी विद्यार्थी के रूप में अपने शिक्षक का दिल से अभिनंदन करने की ज़रूरत है और जीवन भर अध्यापन के अपने निस्वार्थ सेवा के लिए, साथ ही अपने अनगिनत विद्यार्थियों के जीवन को सही आकार देने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। शिक्षक दिवस हम सभी के लिए उन्हें धन्यवाद देने और अपना एक दिन उनके साथ बिताने के लिए एक महान अवसर है। हमारे जीवन में अपने शिक्षक की अहमियत और ज़रूरत को हमें महसूस करना चाहिए और उनके कार्यों को सम्मान देने के लिए हमें हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। हमारे जीवन में माता पिता से ज़्यादा शिक्षक की भूमिका होती है, क्योंकि वो हमें सफलता की ओर मोड़ते हैं। शिक्षक अपने जीवन में खुशी और सफल तभी होते हैं जब उनका विद्यार्थी अपने कार्यों से पूरे विश्व भर में नाम कमाता है। हमें अपने जीवन में शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए सभी पाठ का अनुसरण करना चाहिए। देश में रहने वाले नागरिकों के भविष्य निर्माण के द्वारा शिक्षक राष्ट्र निर्माण का कार्य भी करते हैं, लेकिन समाज में कोई भी शिक्षकों और उनके योगदान के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन ये सारा श्रेय भारत के एक महान नेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जाता है, जिन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की सलाह दी। 1962 से हर वर्ष
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि वो हमारे व्यक्तित्व, विश्वास और कौशल स्तर को भी सुधारते हैं। वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम किसी भी कठिनाई और परेशानियों का सामना कर सकें। ये कहा जाता है कि किसी भी पेशे की तुलना अध्यापन से नहीं की जा सकती। ये दुनिया का सबसे नेक कार्य है। पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाने के द्वारा 5 सितंबर को अध्यापन पेशे को समर्पित किया गया है। शिक्षकों को सम्मान देने और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को याद करने के लिए हर साल इसे मनाया जाता है। देश के विकास और समाज में हमारे शिक्षकों के योगदान के साथ ही अध्यापन पेशे की महानता को उल्लेखित करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिवस को समर्पित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष अध्यापन पेशे को दिया है। वे विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों के योगदान और भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षकों के बारे में सोचा और हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन पेशे में दर्शन शास्त्र शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने देश में बनारस, चेन्नई, कोलकाता, मैसूर जैसे कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों तथा विदेशों में लंदन के ऑक्सफोर्ड जैसे विद्यालयों में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। अध्यापन पेशे के प्रति अपने समर्पण की वजह से उन्हें अपने बहुमूल्य सेवा की पहचान के लिए 1949 में विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाने की शुरुआत हुई। अपने महान कार्यों से देश को लंबे समय तक सेवा करने के बाद 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया। सो फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीप छाया D4C को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स।